Miscellaneous exercise, chapter 9, question number 32. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर 150 वर्कर्स रोज अगर काम पे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो कोई काम कंप्लीट होता है कुछ दिनों में, इन सर्टेन डेज. और अगर ऐसा हो कि पहले दिन 150 लगाए, दूसरे दिन 146 लगाए, चार कम कर दिए, अगले दिन और चार कम कर दिए, तो अब जो डेज लगेंगे पहले वाले डेज से 8 दिन ज़्यादा लगेंगे. इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने डेज में काम कंप्लीट होगा. देखो भाई, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ऐसे थर्ड डे पे भी इतने, मान लो एंड डेज तक काम चला, ठीक है, कितने वर्कर्स इसमें एंगेज हुए, पहला सवाल ये आता है. टोटल वर्कर्स एंगेज्ड, वन फिफ्टी एन, पहले दिन 150, दूसरे दिन 150, तीसरे दिन 150, तो एंड डेज में कितने वर्कर्स लगे, 150 एन. कंडीशन एपी वाली बन गई इसमें, क्या बनी बताओ सर, ये वाली वर्कर्स रोज ड्रॉप हो रहे हैं. हाँ, चार वर्कर्स रोज ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये पहला दिन का काम, ये दूसरे दिन का काम, ये तीसरे दिन का काम, कितनी टर्म्स होंगी इसमें, कितनी टर्म है पहली वाले में, सीक्वेंस में कितनी टर्म है, कितनी टर्म्स है इसमें, एन, इसमें कितनी टर्म्स होंगी, एन प्लस एट भाई, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो एन डेज, कितनी टर्म, एन टर्म्स, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं इसमें, 8 दिन ज्यादा है एन से, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एन प्लस एट. तो ये वर्कर और ये वर्कर मिला के काम जो होगा वो सेम काम होगा, यानी पहले सीक्वेंस में जितने वर्कर होंगे 150 एन, अगर मैं इनका सम कर दूं तो वो भी कितने के बराबर आएगा, 150 एन के बराबर ही आएगा. तो इस टर्म्स का सम निकाल लो, ये भी है ये, उसको 150 एन से इक्वेट कर दूं, तो एन बाई एन प्लस एट अपॉन टू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, एन प्लस एट, फर्स्ट टर्म का डबल कर दो, ये आएगा 300, एन प्लस सेवन बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी से, कॉमन डिफरेंस इसमें है माइनस फोर का, कितने का इसमें कॉमन डिफरेंस, माइनस फोर का, बस ये सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, इस टू की मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 300 एन, एन प्लस एट, 300 माइनस फोर एन, माइनस 28, एन प्लस एट, 272, माइनस फोर एन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों टर्म्स की, तो 272 एन माइनस फोर एन स्क्वायर प्लस 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 1 57 कैरी 5, 16 और 5 21, माइनस का 32 एन, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 300 एन चल ही रहा है, एक ये एन है, ये वाले भी एन है, ये वाले भी एन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, इस 4 एन को भी इधर ही शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, 4 एन स्क्वायर
ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो ये बचेगा कितना, 28, 28 में 32 जोड़ लो तो ये कितना आएगा, 28, 30, 60 आ जाएगा, प्लस का 60n और माइनस 2176 इक्वल्स टू 0.4 से रिड्यूस कर लो, 4 5 जै 20, 4 4 जै 16, 4 4 जै n² प्लस 15n माइनस 544 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके हिसाब से आना आएगा माइनस का 32। अब इसमें 8 जोड़ लो, टोटल डेज पता चल जाएंगे, 25 आएंगे।